रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए 2 दिवसीय मिशन मिजोरम पर राहुल गांधी। आइजोल में राहुल गांधी ने मेगा रोड शो किया। राहुल गांधी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान के बारे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश की संपत्ति लूटने वाले मोदी के दोस्त, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती, हमने अपने वादे पूरे किए, जनता हमारे काम पर वोट दे। तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 5 साल में भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बना। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाया। बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में कई घोटाले किए। चौथी बड़ी खबर, देवरिया कांड पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, देवरिया कांड को सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करे, घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है सरकार। पांचवी बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ का मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार पर वार। का मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार में नंबर 1। मध्य प्रदेश का चुनाव राज्य के भविष्य का है, ऐसा चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूं। छठी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज। कहा, कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के बाद भगदड़ मची। भगदड़ का अंदाजा कांग्रेस के साथ बाकी लोगों को भी था। कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं। सातवीं बड़ी खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाया पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप। स्पीकर से लिखी शिकायत की, महुआ पर मुंबई के बिजनेसमैन से पैसे लेने का आरोप। आठवीं बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बड़ा बयान दिया। का शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है ईडी। नौवीं बड़ी खबर, महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया। कहा, सांस चेक करके यौन शोषण थोड़ी करता, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप फर्जी। दसवीं बड़ी खबर, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाएगी। आगे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के दिमनी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा में भगदड़ मची। सभा में खाना लेकर भागते दिखे लोग, सभा में खाने के लिए भगदड़ मच गई। बारहवीं बड़ी खबर, अमृतपाल की मौत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। अमृतपाल को शहीद का दर्जा देने में हर्ज क्या है? हमने पहले भी अग्निवीर योजना का विरोध किया था। रक्षा मंत्रालय के सामने उठाएंगे अमृतपाल का मुद्दा। तेरहवीं बड़ी खबर, अमृतपाल के पिता का बयान। अमृतपाल की मौत कैसे हुई ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन वो देश और सेना का जवान था, उसे भी बाकी जवानों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए था। चौदहवीं बड़ी खबर, इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। इसराइल का हमास के 6 कमांडर मारने का दावा। इसराइल ने कमांडर्स की फोटो भी जारी कर दी। हालांकि हमास ने इसराइल के इन तमाम दावों को खारिज किया है। हमास ने यह भी कहा कि इसराइल प्रोपोगेंडा फैला रहा है। सत्रहवीं बड़ी खबर, उदयपुर के गुंगावाड़ा गांव में कुएं में गिरी 3 साल की मादा तेंदुआ। वन विभाग ने रेस्क्यू किया, कुएं में पिंजरा उतारकर तेंदुए को बाहर निकाला गया। अठारहवीं बड़ी खबर, यमुनानगर में बारिश में भीगा हजारों क्विंटल धान। अधिकारियों की लापरवाही से धान भीग गया। धान
ढकने के लिए किसानों को तिरपाल तक नहीं मिली। मंडी में बद इंतजामी से किसान परेशान। और रात 9 बजे की 19वीं बड़ी खबर, शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, देवी मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।